हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हैंड सैनिटाइज़र, जिसे आप घर पे ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की, सर्जिकल स्पिरिट जो मेडिकल पे मिलता है, एंड आपको ज़रूरत होगी विटामिन ई की कैप्सूल्स की। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बॉटल लिया है जिसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल लेना होगा। 2 से 3 टीस्पून एलोवेरा जेल आप इसमें ऐड करें। अगर आपके पास मार्केट का एलोवेरा जेल नहीं है तो आप प्लांट एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, उसे स्क्रेप करके उसका जेल इसके अंदर डाल सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास मार्केट का अवेलेबल था इसलिए मैंने मार्केट का ही यूज़ कर लिया है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल डालना होगा। एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको सर्जिकल स्पिरिट डालना होगा। ये मार्केट में 30 रुपीज़ में लाइक मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है, तो इसे आप ऐड कर ले 20 ml। आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर ले। ये आता है 35 रुपीज़ का, लाइक आपको 200 या 300 ml 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो जी हाँ, आप काफ़ी सारा सैनिटाइज़र इससे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको ज़रूरत होगी विटामिन ई कैप्सूल्स की। यहाँ पर 27 रुपीज़ का पूरा पैकेट आता है मार्केट में, तो यहाँ पर एक कैप्सूल आप डाल दीजिए। एंड इस तरीके से इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको शेक करना होगा। अगर आप चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं अगर आपके पास है अच्छे एसेंस के लिए। यहाँ पर मैंने एसेंशियल ऑयल नहीं डाला है। अब इन सब को ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से शेक कर लेना होगा अच्छी तरीके से। शेक करने के बाद आपका हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। हमने इसमें जो रबिंग अल्कोहल डाला था उससे हम लाइक 99% जर्म से किल करने में हेल्प करता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से हैंड में पोर करना होगा, ऑल ओवर स्प्रेड कर लेना होगा, एंड इस तरीके से आपका हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। अगर आपको सर्जिकल स्पिरिट नहीं अवेलेबल है मार्केट में, रबिंग अल्कोहल नहीं अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं आपके साथ सेकेंड मेथड शेयर करना चाहूँगी जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी डेटॉल की एंड एलोवेरा जेल की। तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी कंटेनर में एलोवेरा जेल ऐड कर लूँगी, 2 to 3 teaspoons। आपको जितना ज़्यादा क्वान्टिटी बनाना है आप उतना ऐड कर लें। सो सबसे पहले एलोवेरा जेल ऐड कर लेना होगा, उसके बाद 5 to 6 teaspoons ऑफ डेटॉल आप ऐड कर लें। डेटॉल तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो इसे आप ऐड कर लें 5 to 6 teaspoons यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं बॉइल्ड वाटर को ठंडा कर लूँगी, लाइक हमें इसके लिए चाहिए होगा स्टरलाइज वाटर, इसलिए गर्म पानी को मैं 100 डिग्री पे बॉइल करके उसे ठंडा कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी, लगभग हमें 20 ml वाटर ऐड कर लेना होगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए एंड इसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, पानी डालने के बाद भी इन्हें अच्छे से मिला लूँगी एंड ये हमारा सेकेंड मेथड का सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। इसे भी आप कभी भी अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अच्छे से हाथ में रब कर ले। कोई भी सामान अगर आप घर में ला रहे हैं तो उसके ऊपर भी इसे रब कर सकते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरियाज ना रहे। एंड इसे अप्लाई करने के बाद अब ज़रूर वापस हाथ धोइए एंड देन खाना या कुछ भी खाइए, क्योंकि डिटॉल अगर आपके हाथ में रहेगा तो आप सिंपली खाना नहीं खा सकते। इसलिए आप एक और बार वाटर वॉश कीजिए अपने हैंड्स को एंड देन आप फूड भी इंटेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।